हेलो फ्रेंड्स, जीएसएम हेल्पफुल चैनल में आपका स्वागत है। आज जानेंगे वीवो V5S मेगा जो इसमें पैटर्न लॉक और FRP लॉक कैसे रिमूव करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। उसके लिए आपको एक SP फ्लैश टूल चाहिए और फ्लैश फाइल चाहिए, वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। तो पहले स्टेप शुरू करते हैं, पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करते हैं। उसके लिए आपको SP फ्लैश टूल ओपन करना पड़ेगा। अब कंट्रोल ऑल्टर वी प्रेस करो कीबोर्ड से, कंट्रोल ऑल्टर वी, तो एडवांस मोड आ जाएगा। एक और की दबाना पड़ेगा कंट्रोल ऑल्टर एस, जो सिक्योर मोड हो जाएगा फोन। ये हो जाने के बाद आपको डायरेक्ट स्कैटर लोडिंग बटन पे क्लिक करना है, जहाँ से आप स्कैटर लोडिंग फाइल को पसंद करना है। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जो वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे जो फाइल डाउनलोड की है उसको एक्सट्रैक्ट करें, उसके अंदर ये फाइल होगी, तो इस सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करें। एक और फाइल सिलेक्ट करना है, ऑथेंटिफिकेशन फाइल सिलेक्ट करना है, तो ये बटन पे क्लिक करें। और ये जो ऑथ जो फाइल है वो भी आपको वो फर्मवेयर फोल्डर में मिल जाएगी, वो पसंद करके ओपन पे क्लिक करें। फिर आपको लास्ट क्या करना है, ये प्री लोडर जो अनटिक करना है उसको अनटिक करके, उससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो फोन कभी कभी क्या हो जाता है, डेट हो जाता है, क्योंकि प्रीलोडर रॉन्ग चढ़ती है, रॉन्ग राइट होती है, तो फोन डेट हो जाता है। तो अब ये क्लिक हटा के डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम अप बटन दबा के USB कनेक्ट मोबाइल को कनेक्ट करना है। जब तक पूरा नहीं हो जाता थोड़ा वेट करें, फिर प्रोसेस कम्प्लीटली हो जाएगा तो आप सिर्फ पैटर्न लॉक रिमूव होगा। अब जानिए ये पैटर्न लॉक की मेथड है। अब FRP लॉक कैसे रिमूव करता है मैं आपको बताता हूँ। अब ऐसे ही आपको सेम फाइल सिलेक्ट करना है जो अभी मैंने आपको बताया, फिर फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाओगे तो फिर ये ऐसा होगा आपके मोबाइल आपके कंप्यूटर में, तो आपको मैनुअल फॉर्मेट पे क्लिक करना है। फिर बाद में आपको क्या करना है, ये जो फाइल है उसको सिलेक्ट करके कॉपी करना है, जो एड्रेस है उसको कॉपी करना है। ये पहले वाला जो बिंग एड्रेस है वहाँ पे पेस्ट करना है। फिर आपको फॉर्मेट लेंथ पे जो है वो कॉपी करना है, वो भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, राइट क्लिक करके पेस्ट करना है। अब स्टार्ट पे क्लिक करना है, सेम वॉल्यूम अप बटन दबा के इंसर्ट USB करना है, तो आप FRP लॉक सक्सेसफुली रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही आपको हिंदी में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को GSM हेल्पफुल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।